डेली लाइफ में आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके पास कोई बीकर है या आप किसी भी टब वगैरह में कोई भी बीकर है जिसमें आप पानी ले लेते हैं, इसमें इतने लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब आप इसमें ये करते हैं कि कोई भी पेंसिल या अपने हैंड की किसी फिंगर फिंगर से जो है इस वाटर की सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जो डिस्टर्बेंस इस मीडियम या इस वाटर के अंदर की है वो इस वाटर के अंदर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर आपको इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएगी, जिसे आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि रियलिटी में इस तरह से होता है कि अगर आपने वाटर के किसी एक वाटर लेवल में किसी भी एक पॉइंट पर उसे डिस्टर्ब किया उसके सरफेस को, तो इस तरह से सर्कुलर टाइप की डिस्टर्बेंस इस वाटर के सरफेस पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर आप वाटर के सरफेस को किसी दो पॉइंट से डिस्टर्ब करते हैं तो ये डिस्टर्बेंस इसमें टू सर्कुलर पॉइंट्स की तरह इस तरह से दो सर्कल की सूरत में इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जबकि बड़े लेवल पर अगर आप सी वगैरह में देखें तो उधर जो है इस तरह पानी की लहरें आपको नज़र आती हैं। इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये लहरें या ये सर्कुलर टाइप की चीज़ें, इन चीज़ों को हम लोग फिजिक्स में वेव कहते हैं, यानी कि जो डिस्टर्बेंस है इसे हम लोग फिजिक्स में वेव कहते हैं। किसी भी मीडियम के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है उस चीज़ को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में वेव कहते हैं। यानी कि आप इसे इसे आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई मीडियम है, इस मीडियम को आपने डिस्टर्ब किया है, तब क्या भाई किसी भी फोर्स से, आप पेंसिल से डिस्टर्ब, अगर छोटे लेवल की बात करें जैसे टब या बीकर वगैरह में पानी है तो आपने अपने हैंड से या उसे डिस्टर्ब किया, और अगर बड़े लेवल की बात करें तो आपने किसी भी फोर्स से अगर उस मीडियम को डिस्टर्ब किया है, तो होता ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस है इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपने उस मीडियम को एनर्जी ट्रांसफ़र की है, यानी कि अब हमने उस मीडियम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है। और ये जो एनर्जी है ये ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, और उनकी ऑसिलेटरी मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाती है, कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ये हो जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम में। तो वेव्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई मीडियम हो, उस मीडियम को, जैसे कि अगर ये आपके पास कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर ये वाटर था, इस मीडियम के लिए ज़रूरी है वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए कि इस मीडियम को आपने डिस्टर्ब करना है, हमने इसे डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी डिलीवर हो गई है, और ये जो एनर्जी है वो इस मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेटरी मोशन की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल होती जाती है, और एनर्जी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल होना ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, इस चीज़ को, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इस चीज़ को हम लोग वेव्स कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपने एक जगह पानी को टच किया था, लेकिन आपके टच करने की वजह से उसकी जो सरफेस है वो डिस्टर्ब हुई, यानी कि आपने उसे एनर्जी दी, और इस मीडियम के, इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन शो करने की वजह से जो एनर्जी उनके अंदर आई है, जो हमने अप्लाई की है, हमने कोई ना कोई फोर्स ही इस वाटर को टच किया था ना, तो फोर्स जब भी लगाई जाती है तो किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। जो एनर्जी अब इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिली है, उस एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं, और एक एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और दूसरे पॉइंट से आगे की तरफ मूवमेंट शो करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो एक पॉइंट से पूरे के पूरे वाटर सरफेस पे ट्रैवल करती है, और पूरे के पूरे वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। वेव सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है, यानी कि वेव का मतलब ये नहीं है कि ऐसे डिस्टर्बेंस जो हमेशा वाटर में प्रोड्यूस हो, बल्कि वेव्स मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो वे आपके जो टेलीफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं वो, और जो रिमोट कंट्रोल्स हैं, इनके अंदर भी वेव का सिस्टम होता है। इनके अंदर भी जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स ये रिसीव करते हैं या डिलीवर करते हैं किसी भी मैसेज को, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स करते हैं। अगर इन तक सिग्नल्स की वेव्स पहुँच रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन तक आ रही हैं, तो ही ये मैसेज को डिलीवर या रिसीव कर सकते हैं। सिमिलरली जो रेडियो होते हैं, मुख्य किस्म के रेडियो, वो उनके एंटीना भी मुख्तलिफ जो स्टेशन है, नज़दीकी जो स्टेशन होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर रहे होते हैं। और आपको मालूम है कि रेजोनेंस इसी 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 चीज़ का नाम होता है कि जिसमें आपके ऑपरेटर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि अगर रेडियो की बात की जाए
तो रेडियो में हमने बात की थी कि रेजोनेंस इस तरीके से होती है कि रेडियो के एंटीना जो है वो उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेडियो के एंटीना की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, ये जो रेडियो रेडियो वेव्स इस तक आ रही हैं उन्हें जब ये एंटीना रिसीव कर लेता है, तो हमारा रेडियो हमें उस स्टेशन की नशरियात सुनाना शुरू कर देता है। इसी तरह सेम प्रोसीजर टीवी में भी होता है। और मुख्य एग्जाम के जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बफर वगैरह, इनमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। और हमारे कान को जो आवाज़ सुनाई देती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। और ये जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो भी माइक्रोवेव्स होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में है, ये इन द फॉर्म, ये नेचर में इस तरह से ट्रैवल करती हैं और हम तक पहुंचती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप किसी रस्सी को या किसी भी स्प्रिंग को किसी एक पॉइंट से फिक्स कर दें और उसे एक जगह से इसमें झटका प्रोड्यूस करें या इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, तो आपने जो डिस्टर्बेंस इसमें प्रोड्यूस की होती है वो किसी एक पॉइंट पर नहीं रहती, बल्कि वो इस पार्टिकल, इस मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेटरी मोशन की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिलीवर होती चली जाती है। और उनकी ऑसिलेटरी मोशन की वजह से इस पूरे के पूरे स्क्रीन के अंदर या रोप के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। फिर तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ अकसाम की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन सिग्नल्स को, इन ये मुख्तलिफ अकसाम के जो सिग्नल्स होते हैं जो हम तक आते हैं, हमारा कान सुनता है, या मुख्तलिफ अकसाम के रेडियो स्टेशन है, टेलीफोन स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, तो ये जो मुख्तलिफ अकसाम की ये जो वेव्स रिसीव करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग वेव्स कहते हैं। और ये जो वेव्स हैं ये मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेटरी मोशन की वजह से डिलीवर हम लोग रिसीव कर पाते हैं। तो इन वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, यानी कि ऐसी वेव्स जिनमें जो है हम तक वेव्स पहुंचती हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब जो वेव्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक वो वेव्स जिन्हें हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स ये पहली टाइप होगी ट्रांसफर वेव्स। और जो सेकंड है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब इन वेव्स में फ़र्क क्या है? हमने कहा कि ऐसी वेव्स हैं, मतलब यहाँ कहने से कि मैकेनिकल वेव्स हैं, ये हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि ऐसी वेव्स जिनमें जो एनर्जी, हमने कहा है जो वेव्स हैं ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसी वेव्स जिनमें एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से हो, उन्हें हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ये दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसफर वेव्स होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, उनकी मोशन और जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, यानी कि वेव किस डायरेक्शन में पैदा हो रही है वो, और जो पार्टिकल्स की मोशन है वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे कि इस तरह से। लेट्स सपोज कि ये आपकी जो है वेव के पैदा होने की डायरेक्शन है, इस तरीके से वो प्रोपेगेट हो रही है इस तरह ऊपर से नीचे की तरह, एक साइनसोइडल वेव की तरह। और जो पार्टिकल्स की मोशन है वो ऊपर से नीचे है, कभी ऊपर और कभी नीचे, तो ये इसके साथ 180 का जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से। अगर पार्टिकल्स की मोशन ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, और अगर पार्टिकल्स की मोशन जो है वो नीचे है वेव के प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन से, यानी कि अगर हमारी जो वेव्स है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे जो पार्टिकल है वो इस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं और इस वाले पार्ट में नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो चाहे पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करें या नीचे की तरफ, उनका जो एंगल है वो डायरेक्शन और प्रोपेगेशन जो डायरेक्शन है हमारी वेव्स के प्रोड्यूस होने की, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग ट्रांसफर वेव कहते हैं। ट्रांसफर वेव के लिए ज़रूरी है ये जो हिस्सा ऊपर वाला होता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये जिस क्रस्ट है ये हिस्सा हमारा क्रस्ट है, यानी कि वो हिस्सा, अगर ये हमारी मेन लाइन, आप इसे मान लें कि ये हमारी मेन लाइन है जिस पर हमारी जो वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हिस्सा इस मेन लाइन से ऊपर होता है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और जो हिस्सा इस मेन लाइन से नीचे होता है इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं। ये ट्रफ होता है और ये क्रस्ट होता है। ट्रफ वो हिस्सा होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन है वो प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन जो है मीडियम हमारी जो वेव्स है उसकी पैदा होने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होती है, लेकिन मेन लाइन से नीचे की तरफ होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है मेन लाइन से नीचे की तरफ, इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं।
और जो मेन लाइन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में मिले तो इस चीज को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि एक वेव की जो लेंथ है उसे हम लोग लैम्डा कहते हैं। और जो लैम्डा है ये इसी वक्त कंप्लीट होती है जब एक वेव के अंदर अगर एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है तो इस वेव की जो लेंथ है वो 1 लैम्डा है। लेकिन अगर इसके अंदर दो क्रस्ट आ जाए और दो ही ट्रफ आ जाए तो हम कहेंगे कि इसकी जो वेवलेंथ है अब वो 2 लैम्डा होगी, क्योंकि लैम्डा उस सिचुएशन में होता है जब किसी भी वेव के अंदर एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो। और अगर इसके अंदर दो क्रस्ट आ गए हैं तो दो या दो ट्रफ आ गए हैं तो भी इसे हम लोग लैम्डा कह सकते हैं, यानी कि अभी हमारा 1 लैम्डा था, अब यहाँ पे फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है पूरी वेव की वो 2 लैम्डा है। इसकी एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं कि जो वाटर वेव्स हैं, वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स होते हैं। सिमिलरली जो स्प्रिंग है, जैसे कि हम लोगों ने 7th चैप्टर में ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, तो स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी ट्रांसफर वेव्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो रोप या रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें भी आप लोग ट्रांसफर वेव की एग्जाम्पल में रख सकते हैं। अब जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन, जैसे ये हमारे मीडियम के पार्टिकल हैं, इस तरह से लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, उनकी डायरेक्शन और हमारे वेव्स के प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन अगर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि इनके अंदर अगर एंगल जो है वो 0 है तो इसे हम लोग कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, यानी कि अगर हमारी जो वेव है उसको अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे वेव की इस तरह से कि ये हमारी वेव है और हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो इनके दरमियान अब जो एंगल है वो 180 है। जब भी एंगल 180 होता है तो हम कहते हैं कि एंटी पैरेलल है। तो अगर पार्टिकल्स की मोशन और वेव के प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो हम लोग कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इन पैरेलल मोशन में, और अगर वो दोनों ऑपोजिट हो तब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनमें जो एंगल होता है वो उस सिचुएशन में 180 बनता है। ये जो वेव्स हैं ये भी दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होती हैं, जैसे कि हमारी ट्रांसफर वेव्स में दो हिस्से थे, एक हिस्सा क्रस्ट और एक हिस्सा ट्रफ। सिमिलरली इनमें भी दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जहाँ पर बहुत ही कम कंप्रेशन होता है और एक वो जहाँ पर जो है मीडियम के पार्टिकल्स अगर आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ये हमारा कंप्रेशन है और कंप्रेशन के थोड़े से वक्फे के बाद हमारे पास इस तरह से पार्टिकल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये रेयर फ्रैक्शन है, ये हमारा जो है वो रेयर फ्रैक्शन हो जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो भी दो पार्टिकल दो पार्ट से मिलकर बनती है, एक हिस्सा जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, बहुत ही करीब करीब होते हैं, उसे हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, और वो पार्ट जहाँ पर मीडियम के जो ज़रात हैं या पार्टिकल्स हैं थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं उन्हें हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। इसी तरह थोड़े से वक्फे के बाद फिर कंप्रेशन आ जाता है और फिर थोड़े से वक्फे के बाद रेयरफैक्शन आ जाता है, यानी कि ये सिस्टम इसी तरह से चलता जाता है, कभी कंप्रेशन और कभी रेयरफैक्शन। वेव्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले कंप्रेशन या क्रस्ट ही है, कभी रेयर फ्रैक्शन भी पहले आ सकता है और जो ट्रांसफर वेव्स है उनमें पहले ट्रफ भी आ सकता है, किसी भी सिचुएशन से दोनों चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन एक बार वेव जो है वो कंप्लीट उसी वक्त होती है जब उसमें एक कंप्रेशन या एक रेयर फ्रैक्शन हो, या अगर ट्रांसफर वेव की बात की जाए तो उसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ का होना बहुत ज़रूरी है, तब हम वेव को कहते हैं कि उसकी जो वेव लेंथ है वो 1 लैम्डा है या वेव की जो लेंथ है वो कम्प्लीट है। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव जो है वो इसकी कैटेगरी में आ जाती है। साउंड वेव्स जो है वो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन की फॉर्म में मूवमेंट शो करती हैं, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेव्स हैं वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, यानी वेव्स के जरिए जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी हम तक पहुँचती है और हम उन चीज़ों को उनके सिग्नल्स को सुन के समझ सकते हैं कि वो क्या मैसेज हम तक डिलीवर करना चाहते हैं। मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में मुख्तलिफ तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि वाटर के अंदर सिलेंड्रिकल टाइप की या इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती थी,
इसी तरह जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं या रिमोट कंट्रोल हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, इसी तरह टीवी स्टेशन हैं, मुख्य सैटेलाइट्स होते हैं वो भी, उनमें भी वेव्स का सिस्टम होता है, वो भी वेव्स के जरिए जो है वो सिग्नल्स हम तक पहुँच जाते हैं। मुख्य डिश एंटीना वगैरह हैं, ये भी जो वेव को रिसीव करते हैं और हम तक ट्रांसमिशन की वेव पहुंचाते हैं। जो ट्रांसमिशन है वो हम तक हम वेव की सूरत में ही देख पाते हैं। जब वेव जो है उन एंटीना तक पहुंचती है तो ये एंटीना जो है उन वेव को रिसीव करते हैं, तभी हम मुख्य जगहों पर मुख्य ममालिक में होने वाले मैचेस या मुख्य नशियात को सुन सकते हैं या देख सकते हैं इन्हीं वेव की बदौलत।